वालिदैन आलिमा से निकाह पर राज़ी ना हों तो क्या करूं? मेरी ख्वाहिश किसी आलिमा से निकाह करने की है, लेकिन वालिदा राज़ी नहीं हैं, वालदा कहीं और रिश्ते की बात भी कर रही हैं, लड़की डॉक्टरी कर रही है और शरई पर्दा भी करती है, क्या ऐसी सूरत में मैं अपनी बात ही मनवाऊँ या वालदैन की ख्वाहिश को मुकद्दम रखूँ? अगर वो लड़की जहाँ वालदा कह रही हैं उसमें कोई बड़ी ख़राबी नहीं है, कोई खुदा न ख्वास्ता मखलूत माहौल में वो बिगड़ी नहीं है, कोई दोस्तियाँ नहीं हैं उसकी, आपने थोड़ी इंक्वायरी करवा ली उसके बारे में, कोई बहुत बदअखलाक नहीं है, तो फिर जहाँ माँ कह रही हो वहाँ तरजीह देना चाहिए, क्योंकि माँ की का बड़ा हक अल्लाह ने वालदैन का बनाया है और आपको इसमें कोई ख़ास नुकसान भी नहीं। और आलिमा गैर आलिमा का फ़र्क है, ठीक है, ये भी एक बड़ा फ़र्क है, लेकिन माँ के कहने पर आप इस फ़र्क को छोड़ दें। लेकिन अगर वालदा जहाँ कह रही हैं उस लड़की के बारे में ख़तरात हैं कि वो ज़रा मॉडर्न है या मखलूत माहौल की वजह से उसका आपको ये ख़तरा है कि वो बिगड़ी हुई होगी, बच्चों की तरबियत नहीं करेगी, तो फिर आलिमा से करें, क्योंकि आगे नस्ल पे बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। तो दोनों में कंपेयर आप ख़ुद करके फ़ैसला करें, अगर बीवी सही नहीं मिली आपकी तो आगे बच्चे बड़े बिगड़ जाते हैं फिर। लेकिन सिर्फ आलिमा होना भी काफ़ी नहीं है, उस आलिमा को भी पहले परख लें, मालूमात हासिल करवाएँ उसके बारे में कि वो घरेलू भी है या नहीं है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आलिमा नहीं होती मगर वो ज़्यादा नेक होती है, और एक आलिमा होती है मगर वो कम नेक होती है, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है। नॉर्मली तो जो मदरसे बनात की पढ़ी हुई आलिमा है वो मुशाहिदा है कि वो ज़रा ज़्यादा दीन को समझती हैं।